हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आप देख रहे हैं टेक्निकल एंड फन ग्रुप। आप सभी का हमारे चैनल पर बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं MHT CET से रिलेटेड कि ये माइनॉरिटी नाम की क्या चीज़ है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होता है और उसमें कॉलेज प्रोसीजर क्या होता है, उस कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या होता है और क्या उसमें आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपका रैंक कम है, आपका रैंक ज़्यादा है तो क्या आपको उसमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आगे की बात है करें तो किस किस कॉलेज में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से माइनॉरिटी है, ये सारा आपको लिस्ट वाइज आपको देंगे और आपको एक इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आप सारे कॉलेजेस के अपने अपने माइनॉरिटी के कॉलेजेस चेक करके देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उसको सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सवाल आता होगा कि माइनॉरिटी क्या है और माइनॉरिटी कॉलेजेस क्या है। तो देखिए, माइनॉरिटी कॉलेजेस कुछ नहीं होता है, माइनॉरिटी होता है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहा जाता है, रिलीजियस माइनॉरिटी कहा जाता है। तो कुछ कुछ कॉलेजेस का क्या रहता है, अपना फंडा रहता है, अपने बच्चों लोगों को सीट रिजर्व देते हैं, मतलब कि वो अपने कॉलेज में अपने रिलीजियस से रिलेटेड बच्चों लोगों के लिए सीट रिजर्व रखते हैं जो कि केवल उसी रिलीजियस से रिलेटेड बच्चों को ही एडमिशन देंगे, बाकियों को नहीं देंगे उस सीट में। तो अगर उनके सीट्स सारे रिजर्व्ड हो जाते हैं, भर जाते हैं, तो उसके बाद बचे सीट्स पे ओपन लोगों का कंपटीशन चलता है। सबको अपना अपना सीट वहाँ पे, अगर कम भी रैंक रहा तो भी आपको उस कॉलेज में अपने माइनॉरिटी के हिसाब से उधर पे सीट मिल जाता है क्योंकि आप उस अंडर माइनॉरिटी में आते हैं। तो कॉलेज का पहला प्रायोरिटी यह है, कि वो अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले स्टैंड दे, बाद में बाकियों को। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि वो कितने परसेंट सीट रिजर्व रखते हैं, तो 51% सीट्स अपने स्टूडेंट्स लोग के लिए रिजर्व रखते हैं, मतलब कि अपने रिलीजियस से रिलेटेड स्टूडेंट्स लोगों के लिए रिजर्व रहता है। तो जैसे कि अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं, हिंदू माइनॉरिटी में आते हैं, गुजराती माइनॉरिटी में आते हैं, या फिर साउथ इंडियन माइनॉरिटी में आते हैं, या फिर जैन माइनॉरिटी में आते हैं, तो आप लोग के जो भी रिलेटेड माइनॉरिटी कॉलेजेस, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो भी आप इससे रिलीजियस से रिलेटेड कॉलेजेस हैं, उन सब में 51% सीट्स आप लोग के लिए रिजर्व रहेगा, बाकी बचे सीट्स ओपन सबके लिए, वहाँ पे कंपटीशन लड़ना होगा, उसके बाद उसमें एडमिशन देंगे। तो अगर जैसे कि मेरा मतलब है कि अगर आपका रैंक कम भी है तो भी एक बार आपको आपके मन के कॉलेजेस में अगर वो माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको उसमें एडमिशन मिल सकता है। तो अगर लगता है कि आपका रैंक ख़राब है तो आप एक बार कॉलेजेस को चेक करें कि क्या कॉलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर्स और कैसे कैसे उसमें कहते हैं प्लेसमेंट्स और बाकी चीज़ों को चेक करें, वहाँ का नेचर, वहाँ का एनवायरनमेंट, उसके बाद उस कॉलेज को अगर लगता है कि हाँ आपके रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज बेटर है तो आप ज़रूर उसको अप्लाई करो, क्योंकि 51% सीट्स आपके रिलीजियस के हिसाब से वहाँ पर रिजर्व होते हैं। अगर आपका रैंक एक बार कम भी रहा तो भी वहाँ पर एडमिशन मिलने का आपका पूरा चांस रहता है। तो जैसा कि अगर आप अभी सामने देख रहे हैं इस इमेज को, तो ये साबू सिद्दीकी कॉलेज है जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी के हिसाब से यहाँ पे ये सीट 51% सीट्स यहाँ पे रिजर्व रहते हैं। अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको यहाँ पे 51% सीट रिजर्व मिलेगा, केवल केवल आपके लिए। अगर एक बार रैंक कम रहा तो आप एक बार कॉलेज विजिट करें, कॉलेज देख लें कि कैसा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है तो आपको लगे कि हाँ आपको एक बार लेना चाहिए, यहाँ पर ट्राई करना चाहिए, तो आप एक बार ज़रूर कैप टू के लिस्ट के लिए जरूर डालें। और जैसा कि आप देख सकते हैं सामने की ये ठाकुर कॉलेज है, तो ये ठाकुर कॉलेज में आपको हिंदू माइनॉरिटी आपको मिलेगा, तो यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी के लिए 51% सीट रिजर्व रहता है कि अगर कोई हिंदू है, सॉरी हिंदी है, मतलब हिंदी बोलता है और उसका कोई ओपन कैटेगरी में आते हैं और वो प्रोफार्मा ओ करके एक फॉर्म है अगर उन्होंने डाला होगा उस वक्त कि हाँ आप हिंदी कैटेगरी में हैं, तो आपको यहाँ पर हिंदी माइनॉरिटी के थ्रू एडमिशन मिलेगा। यानी कि अगर आपका एक बार रैंक कम भी है तो भी आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। जैसे कि ये है लोकमान्य तिलक है और LR तिवारी कॉलेज हो गए, ये सब हिंदू
माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, हिंदी माइनॉरिटी के अंदर, नॉट हिंदू, तो आप अगर जैन माइनॉरिटी में आते हैं तो आपके लिए जैन के लिए भी ऐसे अगर अगर कॉलेज हैं गवर्नमेंट, अरे गवर्नमेंट कह रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में दोस्तों ओपन रहता है, गवर्नमेंट कॉलेज में कोई माइनॉरिटी का ऐसा लफड़ा नहीं रहता है कि हाँ इतने सारे बच्चों लोग को पहले अपने माइनॉरिटी के ले लेंगे, बाद में बच्चे लोगों को उनको लड़ना पड़ेगा, उसमें ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। अगर आप अच्छे रैंक है तो आप प्लीज़ पहले तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को अप्लाई करें, उसके बाद बच्चे लोग, अगर आपका रैंक कम है एक बार आप सेकेंड राउंड चेक कर लें, अगर आपको लगता है कि सेकेंड राउंड में आपको मिल सकता है तो आप एक बार डाल लें सेकेंड राउंड में अच्छे अच्छे कॉलेज, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आप नहीं मिल रहा है, रैंक ख़राब है, तो आप माइनॉरिटी कॉलेज डालें, आपको ज़रूर थर्ड राउंड तक माइनॉरिटी कॉलेज में अच्छे सीट्स मिल जाएंगे। तो ये हो गए हमारे माइनॉरिटी के बारे में बातें कि हमारे कैसे माइनॉरिटी में रिज़र्व होता है सीट्स, 51% सीट आपके माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए रिज़र्व रहता है, और इसमें आपको ज़्यादातर एडमिशन मिलने का चांस पूरा रहता है कि आपको आपके अच्छे कॉलेज से अबव कॉलेज ही मिलेगा, तो जिस तरह से आपका रैंक है उससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है। अब चलते हैं सारे लिस्ट की तरफ कि क्या क्या लिस्ट है, उसमें कितने सारे कॉलेज हैं और उन सब कॉलेज में कौन कौन से माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपके सामने एक PDF है जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं अपने अपने कॉलेज और अपने अपने एरिया के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे अगर फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे हिंदी सेवा मंडल श्री संत ऐसे करके कॉलेज है, ये हिंदी माइनॉरिटी के लिए है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, इधर देखिए नीचे कंप्यूटर साइंस के लिए हिंदी माइनॉरिटी है, तो यहाँ ये सारे कॉलेजेस के जो टोटल हिंदी माइनॉरिटी है। फिर उसके बाद आते हैं कन्नड़ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, दोस्तों ये महाराष्ट्र के लिए है ना, तो ये महाराष्ट्र के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं वो उनके अपने माइनॉरिटी के हिसाब से हैं कि ये लोग कन्नड़ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जैसे अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये लोग कन्नड़ के लोगों को 51% सीट रिजर्व रखते हैं, उसके बाद इनका वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। और फिर नीचे चलें तो यहाँ कन्नड़, उसके बाद साउथ इंडिया देखिए, SIES कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पूछा भी था, ये साउथ इंडियन कॉलेज है, यहाँ पे आपको 51% साउथ इंडियन लोगों के लिए रिजर्व, अगर आप साउथ इंडियन हैं तो यहाँ पे आपको कॉलेज आराम से एडमिशन मिल जाएगा। और उसके नीचे चला जाए तो ये देखिए हिंदी आ गया, यहाँ पे हिंदी है माइनॉरिटी में नहीं है, यहाँ क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज आ गया, सेंट जॉन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप जैन में आते हैं यानी क्रिश्चियन में, तो आपको यहाँ पे ज़रूर आपको कॉलेज मिल जाएगा ये। और नीचे चलें तो क्रिश्चियन, फिर उसका लिंग्विस्टिक आ गया, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे हिंदी लिंग्विस्टिक आ गया वापस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुस्लिम, मतलब अंजुमन आई इस्लाम अलन, ये इसके बारे में आपने सुना ही होगा इस कॉलेज का नाम, तो अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ पे एडमिशन मिले, आपको अगर लगता है कि आपका रैंक उसके हिसाब से है और या फिर नहीं है, तो भी अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको एक बार वहाँ पे चांस मिल जाएगा एडमिशन का। तो और नीचे चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंधी माइनॉरिटी, वटमूल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये आपका पड़ जाता है शायद उल्लासनगर में, तो अगर आप सिंधी माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको यहाँ एडमिशन मिलने का बहुत बहुत चांसेस है। तो और नीचे चले तो यहाँ पे जैन रिलीजियस के लिए है, यहाँ पर वल्चन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और फिर नीचे चले तो लिंग्विस्टिक हिंदी, यहाँ पे ऑर्गन सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, फिर JD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फिर उसके नीचे चले तो फिर मुस्लिम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंजुमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे अगर आप चाहे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और भी सारे कॉलेज के लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सब मुस्लिम है, यहाँ पे सिंधी है, फिर नीचे देखिए गुजराती आ गया, श्री विले पार्ले, अगर आप वहाँ चाहते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, और फिर नीचे केमिकल है, फिर नीचे कंप्यूटर है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है, मतलब कि आप जिस ब्रांच में चाहते हैं तो आप एक बार सारे ब्रांच चेक करें अपने, और अंडर ग्रेजुएशन के बारे में चेक करें, और फिर गुजराती या फिर हिंदी या फिर मुस्लिम या फिर जैन या फिर जो भी आप वो सारे चेक करें, साउथ इंडियन वगैरह वगैरह। और फिर यहाँ पे देखिए KJ सोमैया में गुजराती माइनॉरिटी में लिंग्विस्टिक आता है, तो अगर आप गुजराती माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको एक बार वहाँ पूरा एडमिशन मिलने का चांस रहता है। और फिर नीचे चलें तो हिंदी माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक, और फिर नीचे सब लिंग्विस्टिक है, फिर गुजराती, फिर मुस्लिम है, फिर मुस्लिम माइनॉरिटी है, फिर गुजराती माइनॉरिटी, फिर रोमन कैथोलिक,
और फिर नीचे ऐसे ढेर सारे कॉलेजेस हैं, आप अपने अपने कॉलेजेस के हिसाब से, अपने अपने रैंक के हिसाब से, अगर आपको लगता है कि आपका रैंक एबल है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए सारे डालें कि कैप राउंड 2 में। और कैप राउंड 2 की दोस्तों डेट बदल चुकी है, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में दिया है, बताया है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो अभी तक, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके अभी हमारे वीडियो को देखें। और आप कोई और डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों स्ट्रीमिंग की बात कहा था मैंने आपको कि लाइव स्ट्रीमिंग करके आप सबके डाउट्स क्लियर करने के लिए, तो अगर आप इस वीडियो को 100 लाइक्स तक पहुंचाते हैं, तो जिस दिन आप 100 लाइक पहुंचाएंगे उसके अगले दिन मैं ज़रूर स्ट्रीम करने का ट्राई करूंगा। तो अगर आप 100 लाइक करते हैं तो ये तो पक्का है कि स्ट्रीम होगा ही होगा, तो आप 100 लाइक्स करते हैं तो आपका स्ट्रीमिंग पक्का रहेगा। आप सबके लिए डाउट्स क्लियर करेंगे, आप सबसे मिल के बातें करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएँ, ताकि आपको इन सारे चीज़ों की जानकारी मिल पाए और आप एक भी गलती ना करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कैप राउंड 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।